नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार मछली पालन योजना के तहत दे रही 70% तक अनुदान। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए शुरू हुआ आवेदन। 1 सितंबर को आयोजित होगी टैलेंट सर्च परीक्षा, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। बिहार के बक्सर में हो रहा कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का निर्माण। ट्रेन में अब यात्री ले सकेंगे सुगर फ्री भोजन का आनंद। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए हुए ऑक्शन में दिग्गज खिलाड़ियों ने लिया भाग। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन ओवरसीज बैंक ने निकाली भर्ती, जल्द करें आवेदन। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी IOB ने देश के कई प्रमुख शहरों में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 550 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट BFSISSC.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। बिहार सरकार मछली पालन योजना के तहत दे रही 70% तक अनुदान, जल्द करें आवेदन। बिहार सरकार प्रदेश में मछली पालन के लिए 50% से 70% तक अनुदान दे दी है। इसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यकी विकास योजना चलाई जा रही है। यदि आप मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यकी विकास योजना 2024-25 का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको fisheries.bihar.gov.in पर जाना होगा। आवेदन के दौरान आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीन नक्शा का अभिप्रमाणित प्रति और बैंक खाता चाहिए होंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के मत्स्य पालकों को मत्स्य उत्पादन के साथ साथ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत अन्य वर्ग के लाभुकों को 50% और अति पिछड़ा व अनुसूचित और जनजातियों के लाभुकों को 70% तक अनुदान दिया जाता है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी महत्व रखता है। रामायण काल की कथाओं के मुताबिक सीतामढ़ी वहाँ वो स्थान रहा जहाँ से माँ सीता की जमीन से उत्पत्ति हुई थी। यहाँ अधिकतर पर्यटन स्थल धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए हैं, जिनमें जानकी मंदिर, पुनौरा धाम, देवोकुली, हलेश्वर मंदिर, पंथ पाकर, गुरौल शरीफ आदि शामिल है। यदि आप कभी सीतामढ़ी घूमने आते हैं या घूमने की प्लानिंग बनाते हैं तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं। बिहार के बक्सर में हो रहा कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का निर्माण। बिहार में उद्योगों का विकास होता दिखाई दे रहा है। अभी हाल में अंबुजा सीमेंट के प्लांट लगाने को लेकर नवादा में भूमि पूजन हुआ था, वहीं अब कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का निर्माण बिहार के बक्सर जिले में किया जा रहा है। कोका कोला बॉटलिंग प्लांट निर्माण के लिए SLMG कंपनी ने बक्सर के प्रखंड मुख्यालय स्थित बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भूमि पर भूमि पूजन किया है। इस प्लांट पर करीब 1235 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद कोका कोला बॉटलिंग प्लांट के लिए SLMG कंपनी इन रुपयों का निवेश करेगी। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए शुरू हुए आवेदन। यदि आप भी अपने बच्चों का नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा 6 में एडमिशन करवाने के लिए आपको navodaya.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर है। आवेदन करने के लिए जरूरी है कि बच्चों ने अपने जिला से कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की हो। साथ ही उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 2013 से पहले ना हुआ हो। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिहार अग्निशमन सेवा ने दिए जरूरी सुझाव। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन सुरक्षा और बचाव के उद्देश्य से IPRD के जरिए बिहार अग्निशमन सेवा ने कुछ जरूरी जानकारी साझा की है, जिसके तहत कहा गया है कि आग लगने पर मदद के लिए 101 या 112 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही लोगों को निर्देश दिया गया है कि फूस के घरों में मिट्टी का लेप चढ़ाना जरूरी है, खाना बनाते समय पानी भरी बाल्टी रखना जरूरी है, उपयोग के बाद तुरंत चूल्हे की आग को बुझा दें ताकि किसी तरह की अनहोनी का खतरा ना हो। इसके अलावा सुबह के 9 बजे से पहले और शाम के 6 बजे के बाद ही खाना बनाएं।
चंद्रकिशोर जायसवाल को मिला इफको साहित्य सम्मान। बिहार के प्रमुख कथाकार चंद्रकिशोर जायसवाल को प्रतिष्ठित श्री लाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से दिया गया है। पुरस्कार के रूप में उन्हें 11 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। बता दें कि चंद्रकिशोर जायसवाल बिहार के मधेपुरा जिले के बिहारी गंज निवासी हैं। चंद्रकिशोर जायसवाल को इसमें पहले राम वृक्ष बेनीपुरी सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, आनंद सागर कथाक्रम सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के साहित्य साधना सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। उनके उपन्यास गवाह, गैर हाजिर और कहानी हिंगवा, घाट में पानी रे पर फिल्में भी बन चुकी हैं। प्रदेश के इन जिलों में 3 सितंबर को लग रहा रोजगार मेला। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेगूसराय में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये जॉब कैंप संयुक्त श्रम भवन में 3 सितंबर को आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में 170 युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक युवा श्रम संसाधन की आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाएं। सीडीएस परीक्षा के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का हुआ डेप्यूटेशन। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों के डेप्यूटेशन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा को लेकर हुई है। इस परीक्षा का आयोजन 1 सितंबर को होने वाला है। इन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति सफल परीक्षा के संचालन के उद्देश्य से किया गया है। राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी का हुआ उद्घाटन। 24 बेड के अस्पताल की भी मिलेगी सुविधा। बीते दिन बिहार के राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन हुआ है। ये बिहार का एकमात्र ऐसा कैंपस है जहां खेल के साथ साथ खेल यूनिवर्सिटी भी है। इस यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों को 24 बेड के अस्पताल की सुविधा भी दी गई है। इस परिसर के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण चल रहा है, जहाँ इनडोर और आउटडोर दोनों खेलों का आयोजन किया जाएगा। ट्रेन में अब यात्री ले सकेंगे सुगर फ्री भोजन का आनंद। रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब IRCTC को मेन्यू के चयन में पूरी छूट दी जाएगी। इसके तहत IRCTC अब अपने मेन्यू में स्टेशनों के लोकल और स्वादिष्ट भोजन को भी शामिल कर सकेगा। इसके साथ ही दिल की बीमारियों, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसे स्वास्थ्य समस्या वाले यात्रियों और छोटे बच्चों के लिए भी स्पेशल मेन्यू तैयार किए जाएंगे। यात्रियों को अब कस्टमाइज थाली की सुविधा भी मिलेगी, जिसमें उनकी खास जरूरतों और पसंद के अनुसार भोजन उपलब्ध हो सकेगा। डीपीओ और बीओ के पावर में आई कमी। अपने स्तर से शिक्षकों के वेतन में नहीं कर सकेंगे कटौती। अब किसी भी मामले में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतन पर रोक या कटौती का काम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ और प्रखंड पदाधिकारी यानी बीओ अपने स्तर से नहीं कर सकेंगे। ऐसे मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन भी उपलब्ध करवाने होंगे। इस प्रतिवेदन के आधार पर ही जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों के वेतन में रोक या कटौती के आदेश जारी कर सकेंगे। 1.5 दशकों बाद होने वाले होमगार्ड परीक्षा की तारीख में हुआ बदलाव। बिहार में 18 साल बाद 301 पदों पर 2 सितंबर को होमगार्ड जवानों की भर्ती परीक्षा होने वाली है, लेकिन अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया गया है और अब ये परीक्षा 18 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। इसकी जानकारी जारी हुए प्रेस विज्ञप्ति के जरिए मिली है। ये जांच परीक्षा नवीन पुलिस केंद्र आरा में 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने साथ आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पावती रसीद और 3 स्टाम्प साइज फोटो साथ लेकर आएंगे। उद्योग विभाग आज करेगा विशेष शिविर का आयोजन। उद्योग विभाग की ओर से आज राज्य के सभी जिलों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविर में लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण और अनुदान दिए जाएंगे। इन शिविरों में PMEGP 1 और 2, PMFME और PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण और अनुदान का वितरण होगा। उद्योग मंत्री नितेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि 17 जिलों में शिविर सुबह 11 बजे से और अन्य जिलों में अपराह्न 2 बजे से आयोजित किए जाएंगे। मंत्री ने इच्छुक व्यक्तियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।
बिहार सरकार ने एम्स निर्माण के लिए दी 37 एकड़ जमीन, जल्द निर्माण होगा शुरू। बिहार के दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल प्रशासन को 37 एकड़ जमीन बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। इस मामले को लेकर भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 113 एकड़ जमीन पहले से दी गई थी, अब बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए 37 एकड़ जमीन और दे दी है। आईआईटी की तरफ से एम्स दरभंगा का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 7 सितंबर को निरीक्षण करने वाले हैं। उसके बाद जल्द ही एम्स निर्माण के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम तय होगा। 1 सितंबर को आयोजित होगी टैलेंट सर्च परीक्षा, यहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। टैलेंट सर्च परीक्षा इन मैथमेटिकल साइंस की प्रतियोगिता परीक्षा 1 सितंबर को होने वाली है। ये परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा का एडमिट कार्ड उम्मीदवार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर या बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की वेबसाइट www.bmsbihar.org से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि 10:30 से 11:30 तक 6ठी से 8वीं तक के बच्चों की परीक्षा होगी, वहीं 12:30 से 1:30 बजे तक 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की परीक्षा का आयोजन होगा। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता में आई कमी। प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून की सक्रियता कम हो गई है, जिस वजह से झमाझम बारिश का सिलसिला भी कम हो चुका है। आज प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से आज मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री, कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। मद्य निषेध विभाग ने पटना से करीब 50 लाख रुपए की प्रतिबंधित दवाओं को किया जब्त। एक्साइज विभाग ने पटना में ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पर चलने वाले कफ सिरप के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मद्य निषेध उत्पाद विभाग की टीम ने पटना के रामकृष्ण नगर क्षेत्र थाना क्षेत्र के जकियारपुर इलाके में अवस्थित न्यू श्री राम ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पर चलाई जा रही नशीले कारोबार का उद्भेदन किया है, जहां ट्रांसपोर्ट की आड़ में प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप की तस्करी की जा रही थी। विभाग ने करीब 40 से 50 लाख रुपए की प्रतिबंधित दवाओं को पकड़ा है। इस मामले में ट्रांसपोर्ट से 2 कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि इसका मास्टरमाइंड ग्रीस पुलिस की गिरफ्त में से फरार है। पुलिस ने इन दवाओं के गोदाम को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार नगर पालिका कानून 2024 मामले में अदालत ने सरकार को दिए ये निर्देश। पटना की मेयर सीता साहू और अन्य ने राज्य सरकार द्वारा बिहार नगर पालिका कानून 2024 में हुए संशोधन को लेकर चुनौती दी थी। इस मामले पर अब पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। इस मामले पर राज्य सरकार को चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। मामले को लेकर याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने अदालत को बताया है कि राज्य सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधानों को संशोधित कर दिया है, जिसमें नगर पालिका शासन का मूल उद्देश्य खत्म हो गया है, जिसके बाद अब ये राज्य सरकार की एजेंसी में तब्दील हो चुकी है। बहुत सारे अधिकारियों को नगर पालिका से लेकर मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारियों को दे दिया गया है, जिसमें नगर पालिका के अधिकार में कटौती हुई है। इस वजह से कामकाज भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय स्वराज मोर्चा का जदयू में हुआ विलय। जदयू में उज्जवल कुशवाहा के संगठन भारतीय स्वराज मोर्चा का विलय कर दिया गया है। संगठन के 100 से भी अधिक लोगों को जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने जदयू की सदस्यता दिलवाई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि सामाजिक सरोकार से जुड़े युवा साथी जदयू की तरफ से आकर्षित हो रहे हैं। वहीं मनीष वर्मा ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप को लेकर कहा कि उनका मनगढ़ंत आरोप है, ये उनकी सोच है, जैसा वे सोचते हैं वैसा आरोप लगाते हैं। जाति जनगणना और बिहार आरक्षण कानून को लेकर राजद ने धरना प्रदर्शन का किया ऐलान। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है। इस चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं। अब इसी बीच प्रदेश की विपक्षी पार्टी राजद 1 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जाति जनगणना और बिहार आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर होने वाला है। इसका ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है। इस धरना प्रदर्शन को लेकर राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होंगे।
लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए हुए ऑक्शन में इन दिग्गज खिलाड़ियों ने लिया भाग। 20 सितंबर से लीजेंड्स लीग क्रिकेट की शुरुआत होने वाली है। इस क्रिकेट के लिए 29 अगस्त को ऑक्शन हुआ है। इस लीग के तीसरे संस्करण में कुल 6 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिसमें गुजरात, हैदराबाद, इंडिया कैपिटल्स, कोणार्क सूर्य उड़ीसा, मणिपाल टाइगर्स और सदर्न सुपर स्टार्स शामिल है। 29 अगस्त को हुए ऑक्शन में दिनेश कार्तिक, शिखर धवन और हासिम आमला जैसे कई बड़े खिलाड़ियों ने भाग लिया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1559 में सम्राट अकबर के बेटे और मुगल वंश के शासक जहांगीर का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1888 में क्रांतिकारी कनाई लाल दत्त का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1895 में लोकसभा के अध्यक्ष रहे भारतीय राजनीतिज्ञ सरदार हुकम सिंह का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1928 में द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 1947 में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। जियो ने लॉन्च किया AI फोन कॉल फीचर। अब किसी भी भाषा में कॉल को समझना होगा आसान। रिलायंस जियो ने नया जियो फोन कॉल AI फीचर लॉन्च किया है, जो कॉल्स को रिकॉर्ड, ट्रांसक्राइब और अनुवादित कर सकता है। इस फीचर की मदद से यूजर्स किसी भी कॉल को ऑटोमेटिकली ही टेक्स्ट में बदल सकते हैं और कॉल की मुख्य बातें समझ सकते हैं। इसके साथ ही कॉल्स को कई भाषाओं में अनुवादित भी किया जा सकता है, जिसमें संवाद को समझना आसान हो जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को कॉल के दौरान जियो फोन कॉल AI नंबर 1800-7326-73 को ऐड करना होगा। कॉल के दौरान #1 दबाकर रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन शुरू की जा सकती है। ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए 2 और फिर से शुरू करने के लिए 1 दबाना होगा। कॉल के बाद 3 दबाकर फीचर को बंद किया जा सकता है। कॉल की डेटा जियो क्लाउड में सेव होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर किया जा रहा है ये दावा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मंत्रालय की तरफ से 50 से 85 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने U17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है गोल्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कांस्य। हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल लिमिटेड, ऑप्शन बी है एस्ट्राजेनेका, ऑप्शन सी है सीरम इंडस्ट्री, ऑप्शन डी है मानकिंड फार्मा। इसका सही उत्तर है बायोलॉजिकल लिमिटेड। हाल ही में किस ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिला है? ऑप्शन ए है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है शक्तिकांत दास। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है RN मुथोलकर, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है श्रीकृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है रामदयालु सिंह, ऑप्शन सी है सियाराम सिंह, ऑप्शन डी है नित्यानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर है रामदयालु सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है मोतीलाल कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, कस्तूरी शर्मा, नुनू गोलू कुमार, राजीव कुमार, जीतू कुमार गिरी, विनय कुमार, जय प्रकाश, राजकिशोर महतो, उमेश ऋषिदेव, कृष्णा प्रसाद, अम्बाला कुमार, मोहम्मद आरिफ शेख। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सफ़र के दौरान आप ट्रेन का खाना पसंद करते हैं या नहीं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।